तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पेटीएम आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कुछ टाइम पहले जोमेटो का आईपीओ आया था, जिसके आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छे उसने जनरेट की इनकम, बहुत ज़्यादा उसके शेयर प्राइस हाई गए, उसकी शेयर प्राइस भी उसने क्या क्या जन मतलब उससे बेनिफिट हुआ जोमेटो को अब शेयर मार्केट में, और अब पेटीएम से उसको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या करना है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करनी है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था आपको जोमेटो के आईपीओ के बारे में, तो जोमेटो का जो आईपीओ आया था वो आया था एक पर शेयर 76 रुपीज़ का, और जब कुछ टाइम बाद जिसको शेयर अलॉट कर दिए उसके बाद जब शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम जोमेटो का शेयर आया तो उसका हाई रेवेन्यू गया 138-140 के समथिंग, और उसको देखो 76 से 140, और जो उसका स्टॉप हुआ है मार्केट क्लोज होने पे 126। सिंपल से आपको उसने 50 रुपये पर शेयर रिवेन्यू मिला एक बंदे को जिसने शेयर नहीं बेचे हैं तो क्लोजिंग पर, वरना 140 तक समझ लो डबल के समथिंग वो चला गया एक दिन में आईपीओ से। और जो उसकी जो मार्केट कैपिटल गई है 1,00,000 करोड़ रुपये, जो हीरो मोटर कॉरपोरेशन से भी बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी 2,000 से 3,000 के बीच में है, और जोमेटो की 1,00,000 करोड़ कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अब पेटीएम का भी आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, आप उसे परचेज कर सकते हो, और जो उसकी बात हो रही है बहुत बड़ा आईपीओ होगा, 16,600 करोड़ रुपए का रिवेन्यू, उन्हें जो पैसे वो इरेज करना है मार्केट से 16,600 करोड़। उसमें अब ये बात नहीं आई है कि वो किस कब लॉन्च होगा आईपीओ, कितने रुपये का शेयर प्राइस होगा, कितने लोट होंगे, एक लोट में कितने शेयर होंगे, कितने मैक्सिमम लोट हम परचेज कर सकते हैं, इसकी अभी इन्फॉर्मेशन अभी कुछ भी नहीं आई है। लेकिन अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मोस्टली चांसेस हैं कि आप अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपके शेयर ना, सपोज आपको शेयर 10,000 के अलॉट किए जाते हैं, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वो शेयर की ज़्यादा बहुत ही चांसेस कि वो 15,000-20,000 तक पहुँच जाते हैं शेयर 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही, तो मतलब 1.5 गुना 2 गुना से मतलब डबल का बेनिफिट हो जाता है आईपीओ पे अगर हमको शेयर मिल जाते हैं तो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे किसी मार्केट से हमें शेयर अलॉट नहीं होते तो कुछ टाइम बाद तुरंत शेयर परचेज कर लो, उसको होल्ड करके रखो, कुछ टाइम बाद शेयर करो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आईपीओ से रिलेटेड। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन आईपीओ की लेनी है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, बाय।